अगला है तीरा लगना। खेड मैदान विच डिगण समय किसी तिखी चीज़ नाल चमड़ी उपर तीरा लग जाता है। दूसरे खिडारी की कूणी या ठोडा गोडा बजन नाल भी चमड़ी का फट जाना इस प्रकार की सट विच आता है। सट वाली थां ते चमड़ी के फटन नाल खून निकलता है, पर इसनू गंभीर सट नहीं मनिया जाता। जेकर तीरा डूंगा होवे तां जख्म दे नेड़े सोज पै जांदी है। कट लगन नाल खून तेजी नाल निकलता है, चमड़ी उपर जख्म हो जाता है। सट नू मिट्टी वाली तो बचाना चाहिए है। जख्म ज़्यादा डूंगा होण जां खून बंद ना होण दी सूरत विच खिडारी नू डाक्टर को लैके जाना चाहिए है। पहलां सट वाली थां नू साफ कपड़े नाल दबा के खून रोकना चाहिए है। सट वाली थां नू चंगी तरह साफ करना चाहिए है। सट उपर रख के साफ पट्टी बननी चाहिए है, रोजाना पट्टी बदलनी चाहिए है। अगला हैगा मोच। मोच जोड़ां दी सट है। मोच नाल प्रभावित जोड़ दे तंतु खिंचे जाते हैं, यानी कि मसल पुल हो जाते हैं जां टुट जाते हैं। खिलाड़ी का खेड मैदान विच संतुलन बिगड़ जाण कारण डिगण कारण खिडारी दे अपने भार नाल जां दूसरे खिडारी दे भार कारण जोड़ ते अधिक मुड़ जाण कारण यह सट लगती है। जिदा साडा भार ज़्यादा बैलेंस खराब हो जाए तो पैर मुड़ जाए तो साडा भार उत्ते पै जाए, कूहनी ते पै जाए। ठीक है, इस तरह के सट मुख तौर पर गिट्टे गोडे जां गुट दे जोड़ां नूं लगदी है। इस नूं तीन भागां विच वंडिया जांदा है। सख्त मोच है। एक सख्त मोच विच प्रभावित जोड़ दे अधिक तंतु टुट जांदे हन ते जोड़ दे हरकत बिल्कुल बंद हो जांदी आ, खिडारी चलण फिरन तों असमर्थ हो जांदा, सट नूं ठीक होण लई लम्मा समां लगदा। मामूली मोच। इस तरह की मोच विच जोड़ दे मुड़न नाल तंतुआं नूं थोड़ी जिही खिच पै जांदी आ, पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुंदा। खिडारी नूं हल्का जिहा दर्द महसूस हुंदा है। दरमियानी मोच। मोच विच जिस मोच विच जोड़ उपर ज़्यादा दबाव पैण नाल तंतु खिंच जाते हैं, कई तंतु टुट भी जाते हैं। इस नाल खिडारी नूं तेज़ दर्द हुंदा है। ते मोच दे लक्षण, हरकत करन तों जोड़ विच कष्ट हुंदा है। सट वाली थां ते रंग लाल हो जाता, ते सट वाले जोड़ ते बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा। ते मोच दा इलाज। मोच दे इलाज लई प्राइस दे सिद्धांत अनुसार प्रोटैक्शन आ। पी का मतलब प्रोटैक्शन आ, आर का मतलब रैसट आ, आई का मतलब आइस आ, सी का मतलब कंप्रैशन आ दबाव पाना, तो ई का भाव आ उपर चुकना। सट लगन तो बाद जिनी छेती इस सिद्धांत अनुसार खिडारी का इलाज शुरू किया जाएगा। सट न सट के प्रभाव में उन्ना ही घट किया जा सकता है। बर्फ मलन के नाल सट लगी उत्थे बर्फ मलनी चाहिए आ, कपड़े च लपेट के जां आइस पैक राही की जाती है। सट लगन तो अगले 48 घंटे तक सिर्फ बर्फ की टकोरी करनी चाहिए आ, जिस नाल दर्द तो आराम मिलता, दर्द सोज भी घट जाती है। सट लगन तो 48 घंटे बाद सट वाले जोड़ उपर क्रेप पट्टी बननी चाहिए आ, दबाव नाल जोड़ की सोज ठीक होंगी, घुट के बननी आ, तो मालिश नहीं करनी चाहिए। ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਚਾਅ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।